व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशियंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स। एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिले। देन हाउ वुड वी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी 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 क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आए। फ्रेंड्स, we are also very conscious about the sustainable elections as our responsibility towards the environment. to environmentally sustainable elections ho iske liye bhi humne sujhav iske liye bhi humne directions apne election machinery ko di hai. waste management kisi bhi polling station pe polling ke baad mein dikhai nahi dena chahiye. aap usko collect kare, disposal kare aur teams ke sath mein send them to various disposal thing. it's part of the मेटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें, मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। we are also greatly leveraging technology in 3 verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies, machinery, and also for the political parties and candidates. koi bhi voter pure desh mein uska epic number se booth kahan hai, uska epic download karna hai. if he has a mobile number seeded, he can download his or her mobile. कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग।
सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी. और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा. अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला. आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड. देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स. सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट. सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्री भी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस. वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स. आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे. फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं. मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे. तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिसइंफॉर्मेशन एंड MCC वायोलेशंस. असेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन